जहां पर अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कोट अड्डू से दारा दीन पनाह पतल रोड पर नामालूम अफराद ने अल हसनैन फर्नीचर शोरूम में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। दारा दीन पन्ना पतल मोड़ पर नामालूम अफराद ने अल हसनैन फर्नीचर शोरूम में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं कोट अड्डू से बाकिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कोटा दू दायरा दीन पना पतल मोड़ पर नामालूम अफराद ने अल हुसैन फर्नीचर शोरूम में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लाखों रुपए का फर्नीचर जल कर खाक तर हो गया। तफसील के मुताबिक अल्ताफ और राशिद सियाल ने मिलकर फर्नीचर शोरूम बनाया था। गुज़श्ता शब 9:10 पर करीब पतल मोड़ पर मौजूद अल हुसैन फर्नीचर शोरूम गोदाम को आग लगा दी गई। अल्ताफ और राशिद ने दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया था। राशिद सियाल का कहना था कि गरीब आदमी तरक्की करना शायद लोगों को पसंद ना आया। शोरूम के पिछले दरवाजे से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पुलिस भी मौके पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। कैमरामैन टीम के हमरा बाकिर हुसैन, सिटी 5 TV को।